सेकंड ग्रेड में शिक्षक बनने के बाद अलवर के हरसोली के युवक हितेश चौधरी ने सरकारी नौकरी लगने के बाद 5 महीने तक अपनी तनख्वाह समाज सेवा में समर्पित करने का फैसला किया है, जिसमें पहली तनख्वाह में हितेश ने जिस स्कूल में उसकी नौकरी लगी वहां बच्चों को वाटर कूलर दिया। आगे भी आर्मी, गौशाला, मंदिर और गरीबों के लिए एक एक माह की तनख्वाह देने का मन बनाया है। हितेश का आज रसन इंस्टीट्यूट में सम्मान भी किया गया, जहां उसने नौकरी के लिए तैयारी की थी। हितेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और उसके पिता की मौत 2008 में हो गई थी। मेरी नौकरी 25 अप्रैल को राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा झालरापट्टन में लगी है जी। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी नौकरी लगी है, हमारी जो जानकारी में आया है कि आप उस अपनी तनख्वाह को, पहली तनख्वाह जो आपने कहाँ खर्च करने का इरादा था और कहाँ किया आपने? सर, पहली तनख्वाह मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा में ही वाटर कूलर के लिए मैंने डोनेट के लिए। अब आपको बता रहे हैं, इन्होंने जब स्कूल में ज्वाइन किया वहाँ इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि किस तरीके से वहाँ उनको गर्म पानी पीना पड़ता था, लेकिन इनको जो पहले मन में एक सोच थी कि मुझे कुछ करना है, ये एक देश के लिए कुछ सेवा करना चाहते थे, तो इन्होंने पहली तनख्वाह वहाँ अपने स्कूल में वाटर कूलर के लिए दी है। और आगे जो उनकी प्लानिंग है, और तनख्वाहें आपने ऐसा ऐलान किया है कि 5 तनख्वाहों को आप कहीं और सोशल एक्टिविटीज में लगाना चाहते हैं, क्या कहाँ कहाँ आपका मन है? सर, मैंने दूसरी तनख्वाह अपनी इंडियन आर्मी जो है उनके लिए, तीसरी तनख्वाह मैंने गौशाला के लिए, और चौथी तनख्वाह मैंने गरीबों के लिए, और 5वीं तनख्वाह हमारे गांव के मंदिर के लिए मैंने डोनेट करने के लिए। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, इनको लगभग 26,500 तनख्वाह मिलती है, पहली तनख्वाह के लिए वाटर कूलर और दूसरी गौशाला के लिए, आर्मी के लिए, मंदिर के लिए और गरीबों के लिए। इस तरीके से इन्होंने अपनी 5 तनख्वाहों को इस तरीके से सोशल वर्क में, देश सेवा में, समाज सेवा में लगाने का फैसला किया है। ऐसे युवाओं की आज आवश्यकता है देश को, जो एक मैसेज के रूप में और युवाओं को भी इस तरीके का संदेश देते हैं। आपके परिवार की स्थिति जानना चाहेंगे, पिताजी क्या करते हैं और कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? सर, हम हरसोली जो खैरतल के पास है वहाँ के रहने वाले हैं, अलवर ज़िले के। मेरे पापा जी पहले गवर्नमेंट स्कूल में PTI थे, 2008 में वो एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा बड़ा भैया बाबू है और सिस्टर जो है कंपाउंडर है। सबसे बड़ी स्थिति जो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, बहुत बड़े परिवार से भी नहीं है, हितेश एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसमें इनके पिता की मौत 2008 में हो चुकी है। अभी इनके रिसेंटली जो सेकंड ग्रेड टीचर में इनको नौकरी मिली है, नौकरी के बाद में इन्होंने जो 5 तनख्वाहें इस तरीके से सोशल सेवा में देने का जो फैसला किया है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और एक नए युवाओं को भी एक अच्छा संदेश देने का काम इन्होंने किया है। हितेश के अध्यापक डॉक्टर फरमान अली ने हितेश की तारीफ करते हुए कहा कि उनके 10 साल के कैरियर में लगभग 20,000 बच्चों की सरकारी नौकरी लगी होगी, लेकिन हितेश की सोच ने नए युवाओं को एक संदेश दिया है। मैं 2009 से इस कंपटीशन लाइन की तैयारी करा रहा हूं। लगभग अलग अलग सरकारी सेवाओं में लगभग 20,000 के आसपास बच्चे सिलेक्शन हुए हैं मेरे, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है मेरी हिस्ट्री की, ये पहली घटना है कि एक बच्चा नौकरी लगा, सामान्य परिवार से है, उनके फादर भी नहीं हैं और उन्होंने देश के लिए अपनी 5 पहली तनख्वाहें डोनेट कर दी। पहली तनख्वाह इन्होंने जो वाटर कूलर बच्चों के लिए लगवाया, दूसरी तनख्वाह इन्होंने आर्मी के लिए की, तीसरी तनख्वाह इन्होंने गौशाला के लिए डोनेट कर दी, चौथी तनख्वाह इन्होंने मंदिर के लिए डोनेट कर दी और एक तनख्वाह इन्होंने गरीबों के लिए डोनेट कर दी। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, हम यही शिक्षा देते हैं जो हमारे लिए खुद के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है।